दोस्तों, आए गए दिनों हम हमेशा अपने दैनिक जीवन में एलियंस के और यूएफओ की देखे जाने की खबरें सुनते रहते हैं। कहीं आसमान में तो कहीं किसी बिल्डिंग के ऊपर, तो कहीं मंगल पर तो कहीं चांद पर। NUFORC नेशनल अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग सेंटर में अब तक 1177 बड़े केसेस दर्ज हैं और छोटे मोटे केसेस की तादाद तो लाखों में है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एलियंस के बारे में। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। दोस्तों, जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसमें अरबों तारे हैं, लेकिन तारों की अपेक्षा ग्रहों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ड्रिक इक्वेशन के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड में हजारों लाखों ग्रहों पर जीवन संभव है। लेकिन दोस्तों, जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? एक पृथ्वी जैसा जीवन, किसी ग्रह पर जीवन होना ही उस ग्रह के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस तरह हमारी पृथ्वी पर 87 लाख प्रजातियों में से एक विकसित सभ्यता का निर्माण हुआ है, ठीक उसी तरह कहीं दूर दूसरे ग्रहों पर भी एक विकसित सभ्यता का होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे पृथ्वी पर आने के काबिल हो। दूसरे ग्रहों से किसी सभ्यता का हमारी पृथ्वी पर आना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि दोस्तों, हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड से तेज़ यात्रा करना भौतिक विज्ञान और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ है। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी सभ्यता है जिसने स्पेस और टाइम को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब वह हमारे पृथ्वी पर हजारों लाखों लाइट ईयर दूर से आ भी जाती है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ समय की बाधा आ जाती है। हमारी पृथ्वी 4.543 अरब साल पुरानी है। इनमें से दोस्तों हमारा 3 या 4 हजार साल पृथ्वी के 4 अरब सालों में से 1 सेकंड के भी बराबर नहीं है। क्या पता वो आदिमानव या डायनासोर के युग में आए हों। जिस तरह दोस्तों हमारी पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले डायनासोर जैसी विशालकाय प्रजाति का विकास हो सकता है, उसी तरह कहीं दूर ब्रह्मांड में एक विकसित सभ्यता का भी निर्माण होना भी संभव है। पृथ्वीवासियों ने तो अभी ब्रह्मांड को समझना शुरू ही किया है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वो सब पिछले 400 सालों में ही हुए हैं। टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखना, संचार के माध्यम, इंटरनेट और सैटेलाइट के आविष्कार, रॉकेट्स, परमाणु बम और यहाँ तक कि दोस्तों पृथ्वी की 90% जनसंख्या भी पिछले 400 सालों में ही बढ़ी है। हो सकता है दोस्तों आने वाले कुछ हजार सालों में ओजोन लेयर या CO2 की मात्रा बढ़ने की वजह से, परमाणु युद्ध या किसी ज्वालामुखी के फटने की वजह से या महामारी आ जाने के कारण पृथ्वी पर मानव जाति का अंत हो सकता है, जो कि दोस्तों पूरी तरह से संभव भी है। पृथ्वी पर हमेशा से परिवर्तन होते आए हैं, लेकिन दोस्तों अगर हमारी सभ्यता ऐसे ही अच्छी तरह से फलती फूलती रही तो यह भी संभव है कि आने वाले 2-4 हजार सालों के बाद पृथ्वी पर एक ऐसी मानव सभ्यता का निर्माण होगा जिन्होंने ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा उठा दिए होंगे। वो मानव सभ्यता दोस्तों हम इंसानों से 1000 गुना ज़्यादा एडवांस होगी। उनकी सोच हमसे बहुत ऊंची होगी। उन्होंने ब्रह्मांड की बहुत सारी बड़ी चीज़ों में विजय पा ली होगी। विज्ञान की हर एक बड़ी खोज पहले एक सपने जैसा लगता है। अगर 400 सालों में ऐसे विकास हो सकते हैं तो आने वाले हजारों सालों में तो बहुत कुछ संभव है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें दोस्तों, कमेंट करें और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को बिना रुके देख सकें।